हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारतनाज बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं रत्ना सिन्हा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहां पर हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पिछले क्लास में हम लोग ये सारा पढ़ चुके हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मीन्स द प्लांट इन विच द सीड इज कवर्ड, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। जो फ्लावर का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में हो रहा है तो सबसे पहले उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर। सबसे पहले हम फ्लावर को समझेंगे। फ्लावर को समझने के लिए, फ्लावर एंड उसके पार्ट्स को समझने के लिए, सबसे पहले जो बेस है हम उसे सबसे पहले फोकस करेंगे। और ये जो बेस है इसको हम बोलते हैं थैलेमस ऑफ द फ्लावर। इस थैलेमस से एक स्ट्रक्चर है वो निकलती है और नीचे ये यहाँ पर सोलन है, और सोलन स्ट्रक्चर है, देन इट इज लिटिल बिट ट्यूबुलर एंड टर्मिनेट्स लाइक दिस। This सोलन स्ट्रक्चर इज नोन एज ओवरी। और ये जो लंबी सी स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर पाइपलाइन, दिस इज स्टाइल। स्टाइल हो सकता है लंबी भी हो या छोटी भी हो। और उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टिग्मा, और स्टिग्मा बहुत रिसेप्टिव होता है ताकि ये पोलन को रिसीव कर सके। इसका बेसिक काम यही होता है कि जब पोलिनेशन होती है तो स्टिग्मा पोलन को रिसीव करके अंदर ले जाती है। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। दिस ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा इज टोटली इट इज नोन एज पिस्टल। अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं, और ये ऊपर जाकर के ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थोड़े से सोलन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और मुझे जहां तक लग रहा है आपको समझ आ रहा है ये एंथर है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट। दीज आर ऑल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम थैलेमस। दिस इज एंथर एंड दिस इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज फिलामेंट। सो दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, एंड एंथर एंड फिलामेंट आर कंप्लीटली नोन एज स्टेमन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। अब नेक्स्ट जो आता है वो फ्लावर जो है उसका कुछ है ऐसा पार्ट जो कि उसका सपोर्ट करता है। ये तो हो गए रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब सपोर्टिव पार्ट्स में है ये इस तरह से आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये है इसका पेटल। सो दिस इज नोन एज, दिस रेड वन इज नोन एज पेटल। और इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम है ग्रीन कलर का ये स्ट्रक्चर है, एंड दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज नोन एज सेपल। ऑल सेपल्स कॉन्जुगेट एंड फॉर्म्स कैलिक्स। ऑल पेटल्स कॉन्जुगेट एंड फॉर्म्स कोरोला ऑफ फ्लावर। मुझे लग रहा है अब समझ आ रहा है। पूरा का पूरा फ्लावर का हमने डायग्राम बना लिया है। थैलेमस है, थैलेमस के बेस से, थैलेमस के ऊपर आपको एक सोलन स्ट्रक्चर है दैट इज ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा ये तीनों मिल करके फॉर्म करते हैं पिस्टल, एंड पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके साथ साथ एंथर एंड फिलामेंट है। एंथर एंड फिलामेंट आर कलेक्टिवली दे आर नोन एज स्टेमन, एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और उसके अलावा है पेटल एंड सेपल। अब ये तो फ्लावर है। अब फ्लावर में होता है
दो तरह का रोल, आउटर रोल एंड इनर रोल। आउटर रोल में आते हैं कैलिक्स एंड कोरोला, और इनर रोल में आते हैं स्टेमन एंड पिस्टल। स्टेमन एंड पिस्टल्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दे आर रिप्रोडक्टिव इन नेचर एंड दीज ऑल आर नॉन रिप्रोडक्टिव इन नेचर। अब इनका फंक्शन क्या है? अगर हम बाहर से चलते हैं तो कैलिक्स और करोला प्रोटेक्शन देते हैं। सेपल्स आर ओनली फॉर प्रोटेक्शन। कोरोला इज वेरी ब्राइट इन कलर, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड इट हेल्प्स इन पोलिनेशन। एंड स्टेमन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ये थैलेमस जो है, दैट इज द बेस, द स्ट्रक्चर टू विच द फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड। अब ये हमारा हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर जो है, अब नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि अब हम पढ़ेंगे स्टेमन। अब ये स्टेमन को अगर हम लेते हैं तो यहां पर आपको अच्छे से दिख रहा है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये दो लोब्ड है और इसके साथ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है फिलामेंट। और ये दो लोब्ड जो है स्ट्रक्चर, ये जो एंथर है, अगर दो लोब्ड होता है तो इसको हम बोलते हैं डाइथीकस। इट मे बी मोनोथीकस, मालवेसी में देखा जाता है कि एक लोब का है। हम उसको भी डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं। अगर एक लोब है तो इट इज नोन एज मोनोथीकस। इट मे बी मोनोथीकस और डाइथीकस। अब इन दोनों लोब के बीच में एक स्टराइल सी टिश्यू है, वो स्टराइल सी टिश्यू का नाम होता है कनेक्टिव, क्योंकि ये इन दोनों ही लोब को जोड़ती है ये वाली टिश्यू। मैं कलर ऑल्टर करके आपको दिखा देती हूँ कि दिस इज द कनेक्टिव पार्ट विच कॉन्जुगेट्स बोथ द लोब। अब ये दोनों के दोनों जो बाइलोब्ड हैं, अब बाइलोब्ड के अंदर कैसा स्ट्रक्चर बनता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको बोल्ड बना के दिखाते हैं आपको, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। और यहां पर जो स्टराइल टिश्यू है, हम उसको भी ड्रॉ करेंगे। ये जो स्टराइल टिश्यू है, दिस इज कनेक्टिव। इस कनेक्टिव जो है कनेक्ट कर रहा है, और इनके अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक लोब में दो है, यानी कि अगर बाइलोब्ड है देन इट विल हैव फोर सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये ग्रीन कलर जो हमने इंडिकेट किया है, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब है कि फ्यूचर में इट विल बियर माइक्रोस्पोर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द सेक्शनल व्यू। ये अगर एंथर को हम सेक्शन व्यू में, सेक्शनल व्यू है इसका, इसको लिख देते हैं, दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ द एंथर। एंथर को काट के देखा जाए तो दो लोब है, दो लोब के अंदर चार सेक्स हैं, और ये चार सेक्स को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे। लेटर फेज में इस सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, लेटर फेज में पोलन बियर करने लगते हैं, और इसे हम बोलते हैं पोलन सेक्स। पोलन सेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसकी प्रोसेस क्या है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थोड़ा सा 11th का हम रिकैपिंग करेंगे कि ये जो एंथर है और एंथर का जो लोब है और ये कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। ये अगर बेस से जुड़ा हुआ तो इसको बेसिफिक्स्ड बोलते हैं,
और अगर ये डॉर्सल साइड से जुड़ा हुआ हो तो इसे हम डॉर्से फिक्स्ड बोलते हैं, अगर ये होल लेंथ से अटैच्ड हो तो हम एडेनेट बोलते हैं, और अगर ये स्विंग करता हो, डैंगल करता हो, तो ये एनिमोफिलस फ्लावर्स में ऐसा देखा जाता है, कई बार ये डैंगल भी करता है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट है, ये क्लास 11th में हो चुका है, 12th के लिए एक रिकैपिंग है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के एसेंशियल पार्ट्स जो हैं वो पूरा कैलिक्स, करोला, स्टेमन, पिस्टिल, और स्टेमन पिस्टिल इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कैलिक्स और करोला सपोर्टिव है, सपोर्टिव होने के बाद साथ साथ ये रिप्रोडक्शन में इसको हेल्प करता है, और ये कलरफुल है करोला, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और सबसे पहले हम मेल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, मेल में स्टेमन, स्टेमन का एंथर है, एंथर में भी बाइलोब और सॉरी एंथर में भी डाइथिकस और मोनोथिकस, डाइथिकस में दो इसमें चेम्बर्स है और मोनो में एक है, और एक लोब के अंदर दो दो सैक्स हैं, यानी कि एक जो है एंथर है उसके पास चार सैक्स हैं। इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, लेटर फेज में इसका नाम हो जाएगा पोलन सैक्स, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन।